आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे अंडर रूट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, आज हम लोग जैसे सिंपली वे में जैसा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखना है सिंपली वे में, अगर यहाँ पे क्या होता है जीरो होता है 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो गाइस यहाँ पे देखना जो RHS साइड होता है वो प्लस इनफाइनाइट तक जाता है और जो LHS साइड होता है वो माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब होता है अनंत, नॉट डिफाइंड, मतलब कहाँ तक ये जाएगा मुझे खुद नहीं पता। ठीक है गाइस, यानी बहुत आगे तक यहाँ पे 100, 100 तक आप ले जा सकते हैं। तो जितना हमको जरूरत रहता है उतना ही हमको बनाना। तो गाइस अगर सिंपली वे में बोला जाए, अगर मुझे पता करना नंबर लाइन पे 2 कहाँ पर आता है, पॉजिटिव यानी प्लस 2, तो आप लोग सिंपली वे में बता देंगे कि ये हमारा क्या है नंबर लाइन पे दूसरे स्थान पे आता है। अगर मैं पूछता हूँ -3 आप लोग को बताना, तो आप लोग -3 यहाँ पे लोकेट कर देते। बट बात आती है गाइस अंडर रूट की, तो इसको सिंपली वे में नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट 2 आप लोग को नंबर लाइन पे नहीं दिख रहा होगा। तो यही हम लोग को क्या करना है पता करना है। अगर इसको सॉल्व करते हैं लाइक, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.1414 होती है। क्या होती है 414। तो गाइस अब हम लोग को पता चल जाएगा कि ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, यानी 1.414 के ही बीच में आएगा। तो ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट अगर हमको एग्जैक्ट अंडर रूट 2 की नंबर लाइन पर शो करना, तो गाइस देखना कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखना सिंपली वे में कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर लिया ना नंबर लाइन, तो उसी की तरह मैंने क्या किया एक लाइन लिया जिसमें ये हो गया 0, ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, ये 3 यूनिट हो गया, ये क्या हो गया -1 और -2। तो गाइस देखना सिंपली वन में यहाँ से मैंने क्या किया, 0 से 1 यूनिट तक लिया ना, यानी अभी हमने आपको क्या बताया अगर अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 होती है ना, यानी 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं अंडर रूट 2 आएगा गाइस। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली वे में देखना, बस आपको 1 पॉइंट है ना, बस सिंपली आपको क्या लेना है 1 यूनिट लेना है। क्या लेना है, बस इतना ही 1 यूनिट आपको लेना है। और ये एक्स एक्सिस होता है गाइस और ये वाई एक्सिस होता है, तभी हम लोग उसके कोण नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना गाइस मैंने क्या किया, 0 से 1 लिया, जितना ये 1 यूनिट लिया उतना ही आपको क्या करना है ऊपर 1 यूनिट लेना। जैसे यहाँ पे 1 यूनिट लिया ऊपर भी मैंने क्या कर दिया 1 यूनिट लेना, और इस लाइन पे क्या करना परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है परपेंडिकुलर, जैसे ही आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको आप क्या कर दीजिए मैच कर दीजिए 0 से। ठीक है, तो जैसे आप 0 से इसको मैच करते हैं आप लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो गाइस यहाँ पे देखना यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे क्या 1 यूनिट है 1 यूनिट। तो गाइस यहाँ पे 1 यूनिट है, वहां पे 1 यूनिट। तो गाइस आप लोग को हाइपोटेनस यानी पाइथागोरस एक फार्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 का लाइनिंग कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखना क्या होता है, पाइथागोरस का हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो गाइस ये जिसपे परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस। तो गाइस पहले हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, यानी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी 1 यूनिट लिया और यहाँ पे भी 1 यूनिट लिया, तो ये गाइस क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 आ जाएगा। बस सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 यूनिट कर दिया, आपके पास कंपास होगा उससे क्या करना है, बस जो नुकीला वाला पॉइंट होता है उसको यहाँ पे रखिए, और पेंसिल वाली नोक क्या कीजिए इस पॉइंट पे यानी इस कॉर्नर पे रखिए, और उसको यहाँ से लेकर बस धीरे से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यानी जिस पॉइंट पे जिस नंबर लाइन पे गिरेगा वो पॉइंट क्या होगा वो लाइन क्या होगा अंडर रूट 2, यानी यही हमारा क्या होगा अंडर रूट 2 होगा।
आई होप गाइस ये आप लोग को अंडर रूट टू रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे देखना, अभी तो मैंने आप लोग को अंडर रूट टू बताया, अब देखना अंडर रूट थ्री को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं अंडर रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट कर। सिंपल सा गाइस है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट थ्री वन यूनिट ही आता है, यहाँ पे भी क्या करना वन यूनिट लेना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैंने वन यूनिट ले लिया, फिर क्या करना है इसको मैच करा देना। अगर इससे कट करते हैं तो गाइस क्या निकला हमको, अंडर रूट टू की वैल्यू ना। अब क्या करना है सिंपली आपको, ये जो पॉइंट है कॉर्नर, ये जो हाइपोटेनस है ना, इस हाइपोटेनस पे मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ एक लाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग कंपास से भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग 90 डिग्री अगर परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करा देते हैं, ये 90 डिग्री जैसे इस पे 90 डिग्री हमने लिखा, तो इस पे हमको क्या करना है, इस हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना। तो जैसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर इसको क्या कर देना, इससे हमको इस पॉइंट से क्या कर देना, मैच करा देना। तो जो पॉइंट गाइस हमारा आएगा, यानी इस वाले पे नुकीले वाले पॉइंट पे और पेंसिल की नोक यहाँ पे रहेगी, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, ये क्या हो जाएगी अंडर रूट थ्री हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट थ्री को क्या कर देंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो गाइस अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को और आसान